Hello friends, I am Dr. Pradeep Jain. I am Director of GI Oncology Surgery in Fortis Hospital, Shalimar Bagh, Delhi. तो आज हम बात करेंगे gallbladder cancers के. Gallbladder एक pear shaped छोटा सा organ होता है करीब 20 या 30 ml का. ये हमारा right side of abdomen में ऊपर की तरफ below the surface of liver मौजूद होता है. तो इस gallbladder का काम basically जो bile हमारा secrete होता है liver से उसका कुछ part of bile हमारा concentrate करता है जो कि सडनली रिलीज होता है जब हम फैटी फूड खाते हैं और फैटी फूड को डाइजेस्ट करने में सहायक होता है. तो गॉल ब्लैडर की जो बीमारियां हैं सबसे कॉमन है हमारी जो गॉल स्टोन्स होता है पित्त की थैली की पथरी जिसको बोलते हैं, ये हमारे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कॉमन है और इसी नॉर्थ इंडिया के अंदर गॉल ब्लैडर कैंसर्स भी बहुत कॉमन है. तो ये माना जाता है कि ये गॉल स्टोन्स एक इम्पॉर्टेंट कारण है गॉल ब्लैडर कैंसर्स को बनाने के लिए. हालांकि इसको हम 100% तरीके से प्रूव नहीं कर पाए हैं लेकिन इनका जो एसोसिएशन है वो इतना गहरा है कि हम सोच के चलते हैं कि लंबे टाइम तक अगर गॉल स्टोन्स प्रेजेंट है तो गॉल ब्लैडर कैंसर्स बना सकते हैं. तो जो गॉल ब्लैडर कैंसर्स के सबसे कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो हमारा राइट साइड ऑफ एब्डोमेन के अंदर पेन होना, बैक की तरफ जाना, कभी कभार वेट लूज करना और अगर हम गॉल ब्लैडर कैंसर अगर हमारा एक पर्टिकुलर स्टेज से आगे बढ़ जाता है तो उसके अंदर जॉन्डिस होना और इचिंग होना, ये सबसे कॉमन कारण है. गॉल ब्लैडर कैंसर्स ज़्यादातर हमारे को इंसिडेंटली पता चलते हैं. काफ़ी कम केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास सिम्टम्स लेके आता है और हम डायग्नोसिस का बनाते हैं और उसमें कैंसर निकलता है हमारे टेस्टों के अंदर. लेकिन ज़्यादातर केस में जब हम गॉल स्टोन्स के लिए गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं तो ड्यूरिंग सर्जरी हमारे को कभी कभी सस्पिशन होता है या फिर जो हम गॉल ब्लैडर को टेस्ट के लिए भेजते हैं तो पैथोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि इसके अंदर कैंसर है. तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंटली डिटेक्टेड गॉल ब्लैडर कैंसर्स. और अगर हमारे को प्रॉपर तरीके सिम्टम्स हैं गॉल ब्लैडर के और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस भी हमारे को कभी कभी शक होता है कि ये हमारा कैंसर हो सकता है. तो जब गॉल ब्लैडर के कैंसर्स का हमारे को अगर शक होता है प्री ऑपरेटिवली तो उसमें हम कुछ पर्टिकुलर टेस्ट करते हैं जो कि हमारे को गॉल ब्लैडर का कैंसर का डायग्नोसिस बताते हैं और साथ में उसकी स्टेज के बारे में हमारे को बताते हैं. तो सबसे कॉमन जो टेस्ट किए जाते हैं वो है हमारा अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन जो कि कंट्रास्ट एनहांस होता है और कभी कभार MRI या MRCP ये टेस्ट करने पड़ते हैं और कभी कभार हमारे को पेट स्कैन करना पड़ता है. पेट स्कैन नॉर्मली हर एक केस में जरूरत नहीं पड़ती परंतु कभी कभार किसी किसी स्टेज में हमारे को करना पड़ता है. तो एक बार जब हमारे को गॉल ब्लैडर के कैंसर का प्रूफ हो जाता है या बहुत हाई सस्पिशन होता है, बहुत जो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन काफ़ी हाई होता है तो उस केस में हम गॉल ब्लैडर का सर्जरी प्लान करते हैं. गॉल ब्लैडर की जो ट्रीटमेंट है और गॉल ब्लैडर का जो क्यूरेटिव थेरेपी है वो सिर्फ सर्जरी ही है पर किसी किसी केस के अंदर हमें गॉल ब्लैडर के लिए कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी भी यूज़ करनी पड़ती है. ये दोनों पद्धतियां हमारे को गॉल ब्लैडर की सर्जरी का रिजल्ट इम्प्रूवमेंट करने के सहायक होती है. तो जो गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी है जो कैंसर सर्जरी है उसके अंदर हमारे को कुछ पार्ट ऑफ लिवर और गॉल ब्लैडर और साथ में एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स निकालने होते हैं. ये जो सर्जरी है ये हम कई मेथड से कर सकते हैं जिसके अंदर आता है ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या फिर रोबोटिक सर्जरी. जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है या रोबोटिक सर्जरी है ये हमारा होता है मिनिमली एक्सेस सर्जरी और जो ओपन सर्जरी है इसमें हम एक बड़ा सा चीरा लगा के पेट के अंदर और हाथ के द्वारा अपने इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हम इसको ऑपरेशन करते हैं. और मिनिमल एक्सेस सर्जरी जैसे कि लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक इसके अंदर हम मिनी होल्स क्रिएट करके उसके अंदर कैमरा डाल के एंड जो बड़े सिलेंडर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे वो डाल के हम इसके अंदर ऑपरेशन करते हैं. जो एडवांटेज है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का या रोबोटिक सर्जरी का वो है हमारे अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हमारे को इसका एडवांटेज है जिसके अंदर हमारी अर्ली रिकवरी होती है, लेस ब्लीडिंग होती है, लेस पेन होता है, पेशेंट जल्दी चलना फिरना शुरू करता है और जल्दी बैक टू वर्क होता है. जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड रोबोटिक सर्जरी में कोई खास अंतर नहीं होता है. लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम जो डॉक्टर है सर्जन है वो पेट OT टेबल के साथ खड़ा होकर ऑपरेशन करता है और रोबोटिक सर्जरी के अंदर ये सर्जरी रोबोटिक आर्म्स द्वारा होती है जिसको कंट्रोल करता है सर्जन जो दूर बैठा हुआ है कंसोल पे बैठा होता है वहाँ से कंट्रोल करता है. तो ये है सर्जरी के बारे में. जो कीमोथेरेपी का यूज़ हमारे गॉल ब्लैडर कैंसर्स के अंदर होता है वो हमारे कई बार हमारे जब लोकली एडवांस कैंसर्स होते हैं गॉल ब्लैडर के तो ऑपरेशन से पहले दी जाती है सो दैट हम ट्यूमर्स को डाउन स्टेज कर सकें और उसको ऑपरेशन के बाद उसकी क्योर रेट बढ़ा सकें. कभी कभार हमारे को सीधी अपफ्रंट सर्जरी करनी पड़ती है और बाद में डिपेंडिंग ऑन द स्टेज अगर जो हमारे ट्यूमर की जो पेनिट्रेशन ज़्यादा है या लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं तो उस केस में हमारे को उनका
एडजुवेंट कीमोथेरेपी, जिसमें जो ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, और कभी कभार हमारे को एडजुवेंट रेडियोथेरेपी भी करनी पड़ती है कीमोथेरेपी के साथ। ये भी डिपेंड करता है कि हमारे को जो ट्यूमर की पेनिट्रेशन कितनी है और इससे कितने लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है। तो इसके बाद गॉल ब्लैडर कैंसर्स का जो हमारा इंसिडेंस है नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे को ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो गॉल स्टोन्स की बीमारी अगर किसी को है तो उसको नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि अगर हमारा गॉल स्टोन्स बड़ा होता है, उसकी जो गॉल ब्लैडर वॉल थिकनेस होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक इन्फ्लेमेशन रहता है और काफ़ी टाइम तक गॉल स्टोन्स पड़े रहे हैं अंदर और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, तो ऐसे केसेस के अंदर गॉल ब्लैडर कैंसर के चांसेस काफ़ी हाई हैं। तो हमारे को अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, स्टोन बड़ा है, तो गॉल स्टोन्स निकलवा लेने से एक तरीके से हम गॉल ब्लैडर कैंसर्स को प्रिवेंट करते हैं। और अगर इन केस हमारे को अगर सिम्टम्स नहीं है, एसिम्टोमेटिक है, तो उस केस के अंदर हम रेगुलर टाइम से गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को हम फॉलोअप कर सकते हैं रिपीटेड अल्ट्रासाउंड्स के द्वारा, सो दैट जरा सी भी कोई अनयूजुअल थिकनिंग आती है या कोई और प्रॉब्लम दिखती है, कोई गांठ दिखती है गॉल ब्लैडर में, तो उसको इमीडिएटली डिटेक्ट करके हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है कि गॉल स्टोन्स को बहुत लंबे टाइम तक नहीं रखना चाहिए, पर्टिकुलरली अगर गॉल स्टोन बड़ा है या फिर सिम्टोमेटिक है। थैंक यू सो मच।